स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल का 12वां एनुअल डे का भव्य आयोजन 12 जनवरी को रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर विद्यार्थियों का डांस, नाटक व जूडो कराटे का आनंद उठाए। Thank you.
सर्वन कर। आता झालेला देहरादून येथे आंतरराष्ट्रीय इंडो नेपाळ कराटे चॅम्पियनशिप स्पर्धेत सोहम सर्वनकर यांनी गोल्ड मेडल प्रथम पारितोषिक मिळवलेलं आहे। आजकालच्या युगात मुलींसाठी किती मार्शल आर्ट्स कराटे महत्त्वाचं, विदाउट वेपन्स आपण लढू शकतो समोरच्या व्यक्तीशी। मुलगी मयुरी प्रजापती आपल्या इथेच राहते, कळव्यामध्ये ब्लॅक बेल्ट आहे संस्थेची। डोक्यावरती फिटनेस आहे त्यांचा, त्यामुळे त्यांना काय होणार नाही। तुम्ही घरी हे तुम्ही कधी इसी विषय को लेकर अधिक जानकारी डॉक्टर सी सामराज ने दी है। उनका मानना है कि इस एनुअल डे के अवसर पर बच्चों और उनके परिवार में एक अलग ही उत्साह रहता है और इस ग्राउंड में बड़े ही भव्य तरीके से एनुअल डे मनाते चले आ रहे हैं और अलग अलग थीम व पुरानी परंपरा को भी याद किया जाता है। ये 12वें एनुअल डे है। एक्चुअली पहले 3 साल हमने बनाए नहीं था, नर्सरी सीनियर जूनियर था जब भी बनाए नहीं। हमारा स्कूल अभी चालू हो गया, लगभग 15 साल तक हो गया, 15 साल हो गए। अभी ये 12th एनुअल डे, हर साल हम लोग एनुअल डे बना। आज के दिन जो प्रोग्राम किया, अभी बच्चों लोग का जो साल भर उनका जो पढ़ाई है, आके एक इंजॉयमेंट है, और बच्चों लोग का अगर आगे ये प्रोग्राम में इंक्रीज करके और अच्छा उनको ये कर सकते हैं। हम लोग ने जो ये किया, अभी ये पूरा एरिया हमने ये ग्राउंड के अंदर जो प्रोग्राम बना रहा है, और ये थोड़ा हमको भी अच्छा लग रहा है, और यहाँ का जितना भी स्टूडेंट्स है और पेरेंट्स जो भी आ रहे हैं वो सब ये प्रोग्राम देखने के लिए उनको भी मिल रहा है चांस। अगर मैं ये प्रोग्राम बाहर अगर लेके गया, समझो मैं वासी में हाल में बनाओ और टाना में हाल में बनाओ, फिर उसमें कोई ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पब्लिक भी नहीं देख सकता, हमारा स्टूडेंट्स और इतने लोग बस में आना जाना उनको बहुत तकलीफ होता है, इस वजह से मैं हर साल ये ग्राउंड में बनाता हूँ। और आए हुए मान्यवरों को भी सम्मानित किया गया और स्कूल के प्रिंसिपल ने भी अपनी राय दी। जगह आए हुए मान्यवरों ने भी अपनी राय व्यक्त की है। नवीन भाई आवाज़, ये स्कूल जब से चालू हुई है उस दिन से, मतलब हर साल
इसमें कुछ ना कुछ एड होते ही गया है, एडिंग होते जा रहा है। ये बच्चे लोग यहाँ के जो छोटे पब्लिक मतलब छोटी इनकम वाली ग्रुप के सब बच्चे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे लेके आया है, वो रिजल्ट ही दिखाता है स्कूल कितनी प्रगति कर रही है। आज ये बच्चों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? आज सब बच्चे में देखो स्कूल का काम है, जो बच्चे लोग के अंदर टैलेंट भरा हुआ है वो टैलेंट भरा हुआ है वो बाहर लेके आके यहाँ पे स्टेज के ऊपर जो परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे लोग, वो देख के ही मालूम पड़ रहा है कि स्कूल की कितनी मेहनत है और स्कूल क्या कर रही है। वो वही टैलेंट बाहर लाना वही स्कूल का और स्पेशली प्रिंसिपल और मैनेजमेंट उनका काम है, उन लोग मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। मैं सभी बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सब टीचर्स ने और सब पेरेंट्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है। आज के दिन मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो हर साल ऐसे ही करते रहे और सब बच्चों को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहे, जिसके तरह मतलब इनमें से एक बच्चा आगे बढ़कर बहुत बड़ा बन सकता है। सब पेरेंट्स को और मैं सब टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। एज लाइक एवरी ईयर दिस ईयर परफॉर्मेंस वॉज ऑल्सो वेरी गुड। In fact, this happens every year and we are trying to work out on the same thing. Every year we are trying to find out, you know, in terms of discipline, in terms of the coordination, in terms of how our students are performing. Sare cheeze, you know, we try to come out over it. Every year it's a new experience. Every year we try to improvise in some of the other areas. So, again, yet, still more years to come and we are doing our best. Program was very nice, students performed very good and it was a sheer pleasure to be here to see all the students performing so good and also the karate event which occurred here in the stage, that was also very wonderful and I hope all the parents, they should see this performance and send their kids to the karate classes wherein they will learn about the self-defense as well as the theme what was there today in the event was for promoting the child education and saving trees, everything. So I hope all the parents, whoever has gone through this program, would love it and they would definitely go ahead. आज के प्रोग्राम के लिए बच्चों ने 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे और इसमें भगत सिंह का जो देशभक्ति का सॉन्ग था, इसके अलावा जो थीम डांसेस थे वो बहुत अच्छे बच्चों ने प्रेजेंट किए। इसके लिए हमें हमारे ट्रस्ट की ओर से बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, खास करके डॉक्टर सामराज सर उसके लिए हमें मतलब हर प्रोग्राम के लिए हमें मदद करते हैं और उनके सपोर्ट से हम ये जो एनुअल डे या प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कर सकते। ब्यूरो जर्नलिस्ट सुमित रेनोसे के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।